प्रजा या मंत्री गलती करता है तो राजा को भुगतना होता है, पति गलती करती है तो पति को भुगतना होता है, बेटा गलती करते हैं तो आपको भुगतना होता है, वशिष्ठ गलती करता है तो उनको भुगतना होता है। तो इसको इसके लिए गुरु को क्या करना पड़ता है कि वर्षों भर जो भी गलतियां आपने की है उस गलतियों को हटाने के लिए शिक्षा दूसरा मेथड होती है कि आपने जो गलतियां की है वर्षों भर में जो पास किए हैं वो फिर उसको कंटिन्यू ना करें, इसलिए शिक्षा रूपी दीक्षा की जाती है। शिक्षा रूपी दीक्षा करने से आपको गत वर्ष में जो भी आपकी गलतियाँ की हैं उसको अभिषेक के माध्यम से आपको खोल दिया जाता है और आने वाले वर्ष के लिए आपको श्रेष्ठ बना दिया जाता है, फिर आपको भी ध्रोह किया गया है। वैसे तो हम देखते हैं कि गंगा स्नान करने से भी पवित्र हो जाता है आदमी, अभिषेक करने से भी पवित्र हो जाता है, लेकिन वर्ष के आखिरी दिन में वर्ष के आखिरी क्षणों में अगर गुरु अपने हाथों से अपने समूह उठाकर शिष्य को अभिषेक दीक्षा देता है तो उसका मतलब ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि आपने वर्ष भर में जो भी गलतियाँ की है, जो भी मालूम होकर नवालोक जान से पाप के अतिक्रमण किया है उसको जो धो डालना चाहता है ताकि आने वाला वर्ष आपके लिए श्रेष्ठ हो, आने वाला वर्ष आपके जीवन में फल फूले, मनोज से परिपूर्ण हो, इधर या इधर प्रेरणा देता है, शिक्षा से दीक्षा करवाता है। क्योंकि मैं आगे पीछे रह मैं सबको इसीलिए खाली करवाया आपके पास साधना है ज्यादा हम ज्यादा हम देंगे रुद्राक्ष तो मेरे पास नहीं पड़ा रहेगा, अब क्या मैं रुद्राक्ष अपनी बात रहने दो और मैंने रुद्राक्ष मेरे पास रखा और हर वर्ष इस रुद्राक्ष को अभिषेक करते हुए आपको उस जल से अभिषेक रखना चाहिए कि आप आने वाला वर्ष आपके लिए जाए और इस वर्ष में जो भी आपने गलतियाँ की है या जो भी पाप किया है उस पाप की धोलना बनाना आने वाला वर्ष आपके सुख समृद्धि में हो, इसके लिए इस रुद्राक्ष के ऊपर अभिषेक कर रहा हूँ जल आपको उससे अभिषेक करने पर आपकी श्रेष्ठता आपके पापों से मुक्ति आपकी गलतियों से मुक्ति लेकर आप श्रेष्ठ होने आने वाला कल आपके लिए सुख समृद्धि वाला हो, इसलिए शिक्षा विशेष दीक्षा आज के दिन की जाती है। अंतर में मैंने जैसा कहा कि गुरु का कर्तव्य होता है शिष्य को जब एक बार दीक्षा लेकर अपनाता है तो उसके वो गलतियों को गिनना लेने वाला गुरु गुरु नहीं कहलाता। जब तुमने अपनाया है जैसे पति पत्नी को अपनाने के बाद वो गलतियाँ करे भी तो उसको सुधार कर ले जाने वाला ही एक संस्कार या ग्रंथ कहलाया जाता है, ग्रंथ सुख कहलाया जाता है। पत्नियाँ गलती करें पति डूब भी करें लेकिन पति को उसको संभाल लेकर गया तो वो सुख ठीक है और नहीं है तो फिर वो ग्रंथ में झगड़े या अभिवृत्ति ले रहे हैं। उसी तरह शिष्य एक बार शिष्य को अपनाया गुरु ने तो उसको अपना सा ही चलना पड़ता है, शिष्य को छोड़ भी गया शिष्य दूसरी तरफ भी गया वो नेता की योग्य भी हुआ पापी भी हुआ और वही गुरु कहलाता है जो शिष्य की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लो, जो शिष्य की जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं लेता वो गुरु कहलाने के लायक नहीं, चाहे उस दिन में अपने दिन में गुरु जो भी करता है उसके उस हद तक कि जब वो गुरु में न हो जब तक वो गुरु में नहीं जाए जब तक गुरु में वो ही ना हो जाए तो कितने ही दिन में वो अपने को अपने शिष्य को ढूंढता ही ढूंढता है। शिष्य गलतियाँ करें शिष्य भाग जाए शिष्य कहें मेरे बच्चे हैं मेरी बीवी है मेरे बच्चों की शादियाँ हैं मेरा पोता है पोती है मेरा धन है देने हैं ऐसा कहते हुए भागते रहता है हर जन्म में और उसको पकड़ के लाता है गुरु हर जन्म में और उसको कहता है कि तुम उनकी लीन हो जाए गुरु परम गुरु परमेश्वर गुरु पराशर गुरु पराक्रम गुरु जी जो गुरु परम्पराएं हैं गुरु चाहता है कि शिष्य मुझे लीन हो जाए और मैं जब जन्म लूँ तब शिष्य मेरे साथ जन्म ले तो उसकी इच्छा होती है लेकिन शिष्य ऐसा नहीं करता। शिष्य हर जन्म में कोई ना कोई कारण बता देता है कि मुझे वो चाहिए मुझे घर चाहिए मुझे पैसा चाहिए बच्चे चाहिए मुझे खुशहाली चाहिए
डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बच्चों की शादियाँ हो, बच्चों की बच्चे हो, सारी उसकी समस्या सुनाता है और वो बोलता है कभी सुधरेगा नहीं, फिर उसको अगले दिन मैं फिर बुलाऊंगा उधर से चला गया। ऐसे इसलिए मुझे कहा करते थे कि मैं 25 दिनों से मैं बुला रहा हूँ और तू हर चरण में मेरा हाथ छोड़कर चले जाते, ऐसा ना होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु में लीन होना एक पावन बात नहीं है, गुरु में लीन होना एक श्रेष्ठ का क्रिया है, श्रेष्ठ का क्रिया है। और गुरु में लीन होने के लिए गुरु जैसा कहता है वैसा मानकर चले तो ही श्रेष्ठता कहलाई जाती है। आपको मैं गत वर्ष इसी दिन एक बात कही कि मैं पंचमी के दिन गुरु मंदिर की गुरु मंदिर आराधना करने जा रहा हूँ और एक बात कही थी उसके साथ साथ ये मैं मेरी इच्छा है कि किसी के पास से कोई भी पैसा ना लेते हुए गुरु मंदिर को पूर्ण करो, मंदिर आरम्भ कर दिया हूँ। लोग अपनी ओर से देने वाले अपनी इच्छा से अगर कुछ दे रहे हैं तो नहीं नहीं कहता, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है कि आपके पास से कुछ लूँ और मैं भी मान लूँ। मेरे को इस बारे में एक छोटी सी घटना की घटना बहुत याद आती है। ये कहते हुए कि मैं एक बार उस्मानाबाद में बैठा हुआ था, उस्मानाबाद में हमारे मास्टर के पास बीच बीच में कभी कभी जाते रहता हूँ और वो जब भी जाए मास्टर क्या करते हैं सब कम से कम सब शिष्यों को तो लेकर बैठ जाते हैं और उनके आश्रम को ले जाते हैं। मैं गया था तो सब लोग अच्छे खुले बैठे थे, मास्टर भी बैठे थे, उनके सारे और भी उनके जाने बैठने और मेरे शिष्य को उनको लोग बैठे हुए थे तो सभी लोग बैठा बोलिए हम भी आश्रम के लिए कुछ देना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं। मैं कुछ ने मौत कहा अगर देते हैं तो अच्छा है, और लेकिन अगर जीवन चला रहा तो मैं कभी नहीं कुछ मारा है पैसा चुका दूंगी, लेकिन बेटी के पास से पैसा नहीं होगी
बाद में बुरी में याद करके नहीं कहाँ है मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन वो वहाँ जो किस्सा है मेरे दिल में आज तक भी आज भी घर कर गया कि ये कहते हुए कि उसका सफर में कितना अद्भुत की बात था। लोग लाखों रुपये भी देने वाले हैं और सौ रुपये भी देने वाले हैं, लेकिन उस बुरी औरत का उस सफर मुझे आज भी उठाता है और मुझे लगता है कि इतने समर्पण वाले पाँच रुपये भी खर्चे दे रहे तो मेरा मंदिर दो रुपये भी बनेगा। और हमने एक बात तो नतवर्ष से अभी खोजी है, आपको पता है मौसम जब भजन निर्वर्ष थे जब मैं नंबर बनाने की बात कर रहा था और वो आज हमारे बीच नहीं है, जहाँ भी हम सुन रहे होंगे या जहाँ भी हम फिर जन्म लेंगे फिर इस आश्रम की सेवा में जरूर आएंगे, ये मेरा विश्वास। आज सबके मेरे साथ बैठे हैं, हम किसी की ये गारंटी नहीं तो नहीं देते कि हमें कुछ नहीं होगा या बड़े बड़े कृष्ण हो राम हो सभी चले गए, लेकिन अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण कर जाए तो वो श्रेष्ठ व्यक्ति तो कहलाता है। मेरे जीवन का उद्देश्य यही है कि एक हमारी गुरु मंदिर हो ब्रह्मा की जगह, और बहुत इच्छा है कि जो कार्य गुरु जी अधूरा छोड़ते गए आरोग्य धाम का या आरोग्य यूनिवर्सिटी का वो पूर्ण हो। वैसे तो जन्मदिन मैं ये कहता बुढ़ा हूँ कि मेरे जवान होते जा रहा हूँ और आगे मुझे गुरु का कार्य करना है, गुरु का कार्य करने के लिए गुरु जी इतना सक्षम बनाए और मैं जो गुरु जी का उद्देश्य उस उद्देश्य को पूर्ण करूँ ये इच्छा रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस गुरु कार्य में आप सब लोगों का प्रेम है तो मुझे बचता है जरूर गुरु जो मंदिर मानूंगा और यूनिवर्सिटी भी करूँगा। मैं तुमसे आज जो यही बात कहता हूँ, मैं तुमसे कुछ भी ना लेते हुए मंदिर मानूँ तो मैं अपने आप को सक्षम है सामर्थ्यवान समझूंगा और समझता हूँ। और आपने कभी मैंने मांगा भी है आपको तो सिर्फ इसलिए मांगा है कि आपके ऊपर कुछ कष्ट आने वाला है तो ही मैंने पैसा मांगा है, नहीं तो मैंने आपको कोई पैसा नहीं मांगता, ये भी बात कहता हूँ। और इतनी अद्भुत में एक बात जरूर वापस से भी कहता हूँ और से भी कहता हूँ मानी अपने मनीष से भी कहता हूँ और हम हमारे जितने भी गुरु भाई हैं सब से कहता हूँ, मैंने तुमसे अगर पैसा लिया है तो मैं वो जरूर उसका 10 गुना मैं लौटा दूंगा, मैं तुम्हारे दर्शन करने नहीं जाऊँगा, चाहे निवेश गुरु ने मैंने अपने आपको पैसा दिया है तो उसको 10 गुना मैं पैसा दूंगा तो मैं गुरु कहलाऊंगा नहीं गुरु नहीं कहलाऊंगा। गुरु जी आप पैसा लेने का अधिकार रखते हैं या नहीं रखते हैं ये बात अलग है, मैं पैसा किसी के पास नहीं लूंगा, आपका पैसा आपको जरूर लौटा।